हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना क्या करें, मैं भी हर दिन अच्छी रहूँ, स्वस्थ रहूँ। तो ये लगभग अभी 11-12 बज रहा होगा, खाना पीना खा के ये ऑफिस निकल गए हैं। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था, खाना इन्होंने ही बनाया था, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही थी। मैं 8 बजे सोकर ही उठी थी, तो 2-3 दिन से मैंने चाय पीना शुरू किया। पहले मैं गैस के कारण चाय नहीं पीती थी, अभी इधर से मुझे गैस कम हो रहा है, तो 2-3 दिन से ये चाय बना कर देते हैं। और एक अजीब तरीके से देते हैं, पूरा गैस हाई करके किस तरह से बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी खुशबू बहुत सौंधी आती है। जब बाद में मैं गैस देखती हूँ तो गैस चूल्हा काफ़ी पूरा फैल जाता है चाय वाय गिर के, लेकिन वो भी मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि इस तरह से बनाने से कि क्या कारण है मुझे नहीं पता, मुझे चाय बहुत अच्छी पीने में लगती है। तो इनके जाने आने के बाद मैंने खाना खा लिया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस घड़े का हो गया था 12 घंटा, लेकिन अंदर से ये फिर भी महक सा रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसको फिर मैंने धोकर उलटाया था, और एक कॉटन बनियान लेकर के, जो कि ये अब नहीं पहनते हैं, फटा है, उससे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से घड़े को पूरा अंदर बाहर पोंछ लिया है। अब पानी डालकर देखूँगी अब भी महकता है या नहीं, क्योंकि अभी तो इस सिचुएशन में हर चीज़ का महक लगता है। तो यहाँ पर मैंने घड़े में पानी डालकर साइड में रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर पूरा अपना क्लीनिंग कर लूँगी जो भी है स्लैब्स, क्योंकि अभी तो आज दूसरा दिन ही है, 15 तारीख है, तो 16 तारीख तक बोली है नहीं आएंगी, देखती हूँ कब आती है क्या करती है। कुछ बर्तन भी जमा है, थोड़ा ही है क्योंकि मैं ज़्यादा जमा नहीं होने देती हूँ। तो ये दाल चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाए थे, एक कढ़ाई नीचे भी है, कुछ जला हुआ बर्तन भी है। तो मैंने बर्तन धोने के पहले सोचा कि तारबूज खा लूँ, क्योंकि अचानक से तबीयत बिगड़ने लगता है और गर्मी के कारण ज़्यादा बिगड़ता है। तो यहाँ बाबू को खाना दे दिया है, टीवी चलाया है, और तारबूज और काला नमक लेकर मैं खाने बैठी हूँ। अभी कहा जाता है कि सिचुएशन में पानी वाला जितना फल खाइएगा उतना फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन धो लिए हैं और कुछ बचे हुए हैं, तो इसको मैं धोकर मिलती हूँ आपसे। गैस बिल्कुल अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि गैस काफ़ी जल गया था। ये सब काम करने में मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं है ये सिलसिला कब तक चलेगा। और पूरा किचन जब साफ़ रहता है तो मन बिल्कुल खुश रहता है। तो करने का तो बहुत काम मेरे पास है, बहुत सारा। मैं साड़ी का कवर बनाना चाह रही थी, बहुत कुछ, लेकिन वही है कि अभी थोड़ा सा फाउंडेशन है, कौन सा काम कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो धूप काफ़ी तेज़ है, खिड़की खुली है, आप देख रहे होंगे। और अभी थोड़ा सा मन हल्का लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं धो ही लेती हूँ, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है धोने के लिए। एक एक चीज़ मुझे आदत है, छुरी भी धोना है, मतलब जो चीज़ जिसमें थोड़ा सा भी गंदगी देखती हूँ, ये आटा चालने वाला चालने, तो वो सब भी मुझे एकदम लगता है पूरा नीट एंड क्लीन रहे। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी। तो डियर, आप लोगों में से चैनल पर जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। और आप लोग लगातार संतोषी माता के व्रत के बारे में पूछ रहे हैं, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैंने अपना सारा बर्तन धो लिया है, और अब अच्छे से पूरा स्लैब धो लूँगी, और ये जो तेल वाला डब्बा है, तो शाम में इस इतना सा तेल से मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और ये चकला और बेलन मैं धुलने के लिए भूल गई थी, साइड में रखा था मुझे दिखा नहीं। और ये एक टी शर्ट है, जब उससे पोंछने के बाद वो जो करीना आती थी, उन्होंने ये ट्रिक बताया है कि उस कपड़े से पोंछने के बाद कोई मोटा था, सूखा कपड़ा था, आप पोंछ लीजिए तो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया, और नीचे में जैसे थोड़ा सा भी पानी गिरता है, मैं इसको, इस वाइपर को मैं यहीं पर रखती हूँ, ताकि एक बूंद भी पानी गिरे तो मैं तुरंत पोंछूं, नहीं तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊँ। तो यहाँ पर पूरी तरह से किचन मैंने साफ़ कर लिया है, और दूध जो कि कल का भी थोड़ा सा है और आज भी आया था, तो ये दूध मैं गर्म होने के लिए डाल दूँगी। तो ये वाला जो बर्तन है ये तो इंडक्शन पर फिट हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा इंडक्शन पर फिट होने वाला है वो सब इंगेज है, तो मैं सिल्वर वाला टोपिया में दूध डालूँगी और उसको गैस पर चढ़ा के कम करके छोड़ दूँगी, और अलार्म लगा दूँगी 15-20 मिनट का, और जैसे खोलेगा मैं बाबू से भी बोल दूँगी तो वो बंद कर देगा, क्योंकि अगर मैं नहीं उठ पाई तो उसको कम करके मैं चढ़ा दूँगी किचन में। और इस तरह से मेरा पूरा दोपहर का काम कंप्लीट हो गया है डियर। तो अब होता क्या है कि जो भी खाना होता है, एक बार या दो बार खाती हूँ फिर भूख लग जाती है, और कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करता है। चूड़ा का भुंजा वगैरह से मुझे बहुत डर लगता है गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया और कम कर दिया है, और अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा आराम करने, एक लगातार मैंने इतना काम किया। तो अब मिलते हैं आपसे, और ये देखिए मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम में।
क्योंकि उसके बाद दूध खौल गया था, सो गई थी, उसके बाद मुझे थोड़ा भूख लगी तो मैंने क्या किया, मूंगफली को फ्राई किया, गुड़ डालकर थोड़ा सा खाया। तो ये जो छोटी वाली कढ़ाई आप देख रहे हैं, मैंने ये पूजा के लिए रखा था। कोई व्रत करती थी तो मैं इसमें कुछ बनाती थी, संतोषी माता का व्रत करती थी तो बनाती थी, लेकिन ये जो किचन मेरा छूट गया है तो इन्होंने एक दिन इसमें सब्जी बना डाली और एक दिन प्याज लहसुन वाला पनीर का सब्जी था, इसमें इन्होंने गर्म कर दिया। तो पूरी तरह से अब ये कढ़ाई पूजा के लिए मैं यूज नहीं करूँगी, जब कोई व्रत करूँगी तो मुझे अब नई कढ़ाई लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं तोरी की सब्जी बना रही हूँ, इसको नेनुआ भी हम लोग कहते हैं और हम लोग के इधर तो बिहार में परोल भी कहा जाता है। तो आज मैं इसी को बनाने वाली हूँ, परोल भिंडी ये सब बहुत ज़्यादा खाना चाहिए जो कि फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ला तो देते हैं लेकिन उनको बिना मसाला का प्याज टमाटर का अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ। तो आटा भी मैंने मिला कर रख दिया है और एक पहले मैं इसमें छौंक लगा दूँगी और चलाती रहूँगी इसको, और दूसरे तरफ मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं मेरे से अभी हो पाएगा कि एक बार सब्जी कंप्लीट हो जाए फिर मैं रोटी बनाऊँ, उतना देर में खड़ी नहीं रह पाऊँगी। और प्याज इस तरह काटने के बाद अगर आप क्रश कर देते हैं तो बिल्कुल इसकी एक एक पत्तियाँ अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तेल, हींग, तेजपात, लाल मिर्च और पंचफोड़ना डालकर प्याज को डाल दिया है, और प्याज जैसे ही हल्का ब्राउन होगा तो मैं टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को गलने के लिए बस थोड़ा सा एक पिंच नमक डाल दूँगी। और जब तक ये टमाटर वगैरह सॉफ्ट होगा तो मैं क्या कर लूँगी, मैं लोई काट लूँगी, और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा तो इसको मैं वो झज्जे से थोड़ा सा चूर दूँगी और जिसको कहते हैं थोड़ा मैश कर दूँगी, और उसके बाद फिर इसमें तोरी डालूँगी। तो अभी मैं चकला रख लेती हूँ और लोई काट लेती हूँ। तो मैं इसीलिए सवेरे बना रही हूँ, मुश्किल से 6:30 बज रहा होगा तो मुझे भूख लग गई थी और थोड़ा ठोस आहार ही खाना चाहिए, तो कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, मुझे लगा कि अब रोटी ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा खाना बनाना ही है शाम का तो अभी ही लग जाती हूँ, क्योंकि फिर अधिक लेट होने से फिर तबीयत बिगड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता, वो ऑफिस से आएंगे फिर खाना बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको मेस कर दिया। अब इसमें मैं तोरी डालूँगी और थोड़ा सा डाल के पहले चला लूँगी और फिर उसको थोड़ा डालूँगी, फिर चला लूँगी, थोड़ा डालूँगी, फिर चला लूँगी, इस तरह करके, और नमक हल्दी डालकर इसमें मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। तो अब पानी क्यों डालूँगी, क्योंकि पानी अगर अधिक हो जाएगा तो उसको मैं बाद में गैस हाई करके जला लूँगी पानी को, लेकिन अगर टमाटर और प्याज नीचे से जल जाएगा तो सब्ज़ी का स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नमक हल्दी डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको ढक दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद मैं क्या करूँगी, रोटी मुझे उधर बनाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि उधर एक थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा और वो चूल्हा जो है थोड़ा ख़राब हो गया, कम करती हूँ तो वो बंद हो जाता है, इसलिए सब्ज़ी को मैं उधर डाल दूँगी और रोटी मैं इधर जल्दी जल्दी बना लूँगी क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा रह नहीं पाऊँगी। और धीरे धीरे काम करते करते ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सब्ज़ी उधर डाल दिया है और लगभग मेरी सारी रोटियां बन गई है, 2-3 और बचा हुआ है रोटी बना के, और इसी ग्रीन वाले रोटी पॉट में मैं रखूँगी। तो आप लोगों ने तो बनाया ही होगा, लेकिन इस तरह से बना के देखिएगा। थोड़ा सा सब्ज़ी तीखा हो गया था और मसाला में वही सब्जी मसाला जो आता है, क्योंकि अभी मैं इधर से मसाला नहीं बना रही हूँ, मसाला वाला जो मेरा वो डब्बा था जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो भी काफ़ी गंदा हो गया, उसको भी साफ़ करना है। करना बहुत कुछ साफ़ है लेकिन धीरे धीरे करती हूँ। तो यहाँ पर सारा रोटी बन गया है और रोटी में वो बहुत ज़्यादा मैं आटा यूज करती हूँ तो उसको झाड़ कर रखती हूँ, फिर खाने के समय भी झाड़ना पड़ता है क्योंकि ये नहीं खाना चाहिए बर्तन वाला, इससे कहा जाता है कि इससे पत्थर होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर मेरा रोटी बन गया और लगे हाथ में पूरा साफ़ भी कर लूँगी गैस पर जो आटा वगैरह गिरा है, और सब्ज़ी इधर रख लूँगी। और फिर यहाँ पर उस बाबू को भी भूख लगी थी, स्कूल तो उसका इस वीक पूरा एब्सेंट ही रहा क्योंकि 3 दिन तबीयत ख़राब रही, 4 दिन से स्कूल बंद है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को फूलने डाल दूँगी क्योंकि तुरंत ये साफ़ होगा नहीं और तुरंत मैं कर भी नहीं पाऊँगी, करूँगी भी नहीं। तो इस तरह से पूरा स्लैब्स मैं पोंछ लूँगी। और यहाँ पर मैंने मसाला नहीं डाला है, इस तरह से सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसमें मसाला डालूँगी और ये मसाले के साथ साथ ये पकेगा तो और भी ज़्यादा पूरा मसाला इसमें भींग जाएगा, तो काफ़ी ये टेस्टी बना था। और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर ही मिर्च पाउडर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ही टेस्टी बना था ये सब्ज़ी।
और साथ बसते बसते इस तरह से मैंने पूरा खाना कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल सवेरे लग जाती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे यही डर लगने लगता है खा भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन फिर भी वही हुआ था डियर, इतना पैर कमर दर्द शुरू हो गया था कि गाँव में जब थी तो लोग कह रहे थे कमर वगैरह में दर्द हो तो दबा, पैर में काफ़ी दर्द था। तो इस तरह से मैंने पूरा साफ वाफ कर लिया है और अब खाना भी यहाँ पर रेडी है। तो मुझे प्यास लग गई तो अभी मैंने कम करके रख दिया है उस सब्ज़ी को। 15 मिनट तक उबलने के बाद अच्छे से पूरा पानी जल जाएगा, तब फिर वो अच्छे से उसमें स्वाद आएगा। तो यहाँ पे प्यास लगी थी, पानी पीने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने कैल्शियम की गोली आज नहीं खाई है, क्योंकि एक आयरन एक कैल्शियम तो खाना ही होता है। तो शाम हो गया था, आयरन तो मैं दिन में ही खा लेती हूँ, शाम होते होते कैल्शियम भी खा लेती हूँ। बाबू अपने महंगेज है, चला रहा है गाड़ी, उसको मैं समय नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप में व्यस्त और परेशान रहती हूँ। तो ये दिन का कल का दूध था और आज का दूध इधर रखा हुआ है। और यहाँ पर अब मैं एक बार सब्ज़ी चलाकर इसको कम करके छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, जिससे कि सारा पानी जल जाए इसका। और ये इतना टेस्टी बना था, एक बार इस तरह से आप लोग बना के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगने वाला है। और ये सब सब्ज़ियाँ मुझे तो सिंपल भी अच्छा लगता है, लेकिन ये बोलते हैं इन्हें मीठा लगता है, इसलिए मुझे प्याज वगैरह देकर बनाना पड़ा। तो यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बन के तैयार है, आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। और ये बिल्कुल चटपटा सा मसालेदार ये तूरी की सब्ज़ी बन के रेडी है। तो बाबू को भी खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी 2 रोटी, बाद में वो आएंगे तो खाना खाएंगे। डियर इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय डियर, लव यू।